मैं रिच आदमी बन जाऊंगा, मुझे एक फॉर्मूला मिला है। अच्छा, मैं अल्केमिस्ट बनूंगा। मतलब वो लोग जो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यस। मगर पृथ्वी पर ऑलरेडी इतना सारा गोल्ड पड़ा है, उसका क्या होगा? तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं अपने घर के सामने गड्ढा खोदूंगा और गोल्ड के कॉइंस निकलने लगेंगे। 5,500 साल पहले इजिप्ट में पहली बार गोल्ड ऐसे ही मिला था। ह्यूमंस द्वारा डिस्कवर किए गए मेटल्स में कॉपर और गोल्ड वर्ल्ड के सबसे पुराने मेटल्स हैं। शुरू में लोगों को गोल्ड एक ऑर्डिनरी पत्थर लगा, मगर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि ये लोहे और बाकी धातुओं से बेटर है। इसमें जंग नहीं लगती, इसको बड़ी आसानी से नए शेप दिए जा सकते हैं, और ये बाकी सब धातुओं से ज्यादा चमकदार है। लोहा, तांबा या बाकी धातुएं एक समय के बाद चमक खोने लगती हैं या खत्म ही हो जाती हैं। सोना कभी अपनी चमक नहीं खोता, यानी आसानी से नष्ट नहीं होता। 3600 BC में लोगों ने गोल्ड की स्मेल्टिंग शुरू की, और उसके बाद डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड की कीमत भी बढ़ने लगी। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, पिछले 5000 सालों में दुनिया के सारे माइन से जितना भी गोल्ड निकाला गया है वो आज भी सर्कुलेशन में है। इंडिया में गोल्ड की माइनिंग की बात करें तो यहाँ कर्नाटका के रायचूर जिले की हुट्टी माइन से निकले कुछ गोल्ड पीसेस की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो 200 AD के थे। यानी इंडिया में 1800 साल पहले गोल्ड की माइनिंग होती थी। हाँ, वैसे आज इंडिया में कर्नाटका में हुट्टी, ऊटी और हीराबुदनी की माइन से गोल्ड निकलता है। हैरानी की बात यह है कि इंडिया में ज्यादा सोने की खदानें नहीं है। सबसे ज्यादा सोने की खदानें अफ्रीका में है, लेकिन सोने की चिड़िया का खिताब भारत को मिला है। इसका सबूत ये है कि मिडिवल इंडिया में भारत पर अटैक करने वाले ज्यादातर इन्वेडर्स सोना लूटने आए थे। 1739 में पर्शिया के नादर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया और सोना लूटा। अकेले दिल्ली में उन्हें इतना सोना मिला कि अगले 3 साल तक पर्शिया में किसी ने कोई टैक्स नहीं भरा। मिडिवल इंडियंस के पास बहुत सोना था। शाहजहां के जमाने में मुगलों ने एक सोने का सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया। माना जाता है कि सिंहासन में पूरा 1,00,000 तोला सोना लगा था। शाहजहां तो ताजमहल को भी सोने का बनवाना चाहते थे। अब सोचो उनके पास कितना सोना होगा। वैसे इंडिया में सोना खदानों से नहीं निकला था, ये सोना इंडिया ने मसालों और सिल्क की ट्रेडिंग से कमाया था। सारा सोना भारत में सिल्क रूट के समुद्री रास्तों से आया, जिसके बदले में इंडिया ने शुरुआत में स्पाइसेस जैसे कि सैफ्रन, टर्मरिक और सिल्क का बिजनेस किया। इंडिया में कितना सोना है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुजरात के सोमनाथ टेंपल को 11th सेंचुरी में 7 बार सोने के लिए लूटा गया। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महमूद गजनवी ने जब पहली बार सोमनाथ टेंपल को लूटा था, तब अकेले टेंपल से उसे इतना सोना मिला था जो उनकी बाकी सारी लूट से 80 गुना ज्यादा था। 2011 में केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सोने का इतना बड़ा खजाना मिला है, जिसके बारे में अंदाजा लगाया गया कि केरला के 3 साल के स्टेट बजट के बराबर है। बाइबल में गोल्ड का नाम 400 बार आता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ यानी उस जगह से निकले हैं जहां से सोना निकलता है। गोल्ड का मेंशन ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में भी है। भारत में त्योहारों और शादियों में सोना जरूर पहनते हैं, ऐसा करना जरूरी है, ये बात प्राचीन ग्रंथ मनु संहिता में लिखी हुई है। वैसे दुनिया में सबसे पहले सोने के गहने 2600 BC में मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक में बनाए गए थे, और दुनिया का सबसे पहला सोने का सिक्का 700 BC में लीडिया के व्यापारियों ने बनाया था। लीडिया मींस आज का टर्की। हाँ, इंडिया का पहला गोल्ड कॉइन 100 AD में चला था। इसे कुषाण राजा विमा कैडफिसिस ने चलाया था। कुषाण राजा रोमन राजाओं के साथ व्यापार करते थे और चीजों के बदले सोने के सिक्के लेते थे। शायद ये सिक्का भी रोमन सिक्कों से प्रभावित होकर बनाया गया था। इस सिक्के पर भगवान शिव का चित्र बना हुआ था। मिडिवल इंडिया में कौन सा राजा कितना शक्तिशाली है इसका फैसला उनके खजाने में रखे हुए सोने से होता था। सोने की शक्ति यानी गोल्ड रिजर्व पर आधारित पहली पेपर करेंसी 1000 AD में चाइना की सोंग डायनेस्टी ने चलाई थी। उसके 100 साल बाद ब्रिटेन में भी एक ऐसा ही प्रयोग हुआ। धीरे धीरे दुनिया के कई देशों ने इसी परंपरा को अपनाया और आज इंडिया में भी इसी तरह की मुद्रा प्रणाली चलती है। तुमने इंडियन करेंसी नोट्स पर ये जरूर पढ़ा होगा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ, जब मेरे पास 100 रुपए हैं तो फिर उसके बदले मुझे 100 रुपए क्यों मिलेंगे? वो 100 रुपए के बदले में तुम्हें 100 रुपए का सोना अदा कर देंगे। अब मैं समझा कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, USA, स्विट्जरलैंड और दुबई में गोल्ड के ATM क्यों लगाए गए हैं। गोल्ड के ATM का मतलब ATM में कार्ड डालो और गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स ले लो। कितना मजा आता अगर गोल्ड ज्वेलरी भी ऐसे ही ATM से बाहर निकलने लगती। बेशक, दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गहने बनाने में। इंडिया में हर साल तकरीबन 600 टन सोने के जेवर बनते हैं। यहाँ जो सोना प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट होता है उसका 90% ज्वेलरी बनाने के काम आता है। अगर ज्वेलरी मार्केट के मामले में इंडिया का वर्ल्ड में 2nd नंबर है, तो नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 3 पर चाइना है। इंडिया वर्ल्ड में गोल्ड का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है।
यहाँ हर साल 700 टन गोल्ड का इम्पोर्ट होता है जो दुनिया भर में इम्पोर्ट होने वाले गोल्ड का 20% है। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु इंडिया में आने वाले गोल्ड का 40% कंज्यूम करते हैं। इंडिया में लोग गोल्ड के अलावा और भी जगह इन्वेस्ट करें, इसके लिए 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया गया और खरे सोने के बिस्कुट या बार्स रखने पर पाबंदी लग गई। यानी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनवाना कंपलसरी हो गया। हाँ, मगर इस एक्ट की वजह से इंडिया में गोल्ड लाने पर भी टैक्स लग गया। टैक्स बचाने के लिए इंडिया में सोना स्मगल होना शुरू हो गया और सरकार को काफी नुकसान हुआ। इंडिया में गोल्ड की कमी हुई और 1992 में इस एक्ट को हटा दिया गया। आज ये माना जाता है कि इंडिया में 10,000 टन से 13,000 टन तक सोना मौजूद है। अब इतना सारा गोल्ड इंडिया में ऑलरेडी है तो फिर मैं और गोल्ड बनाकर क्या करूँगा? जी हाँ, गोल्ड किसी भी इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल नहीं होता, इसके बावजूद भी दुनिया के सबसे महंगी धातुओं में से एक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक वर्ल्ड में हर साल 4,000 टन गोल्ड की डिमांड आती है और गोल्ड माइन से सिर्फ 2,250 टन गोल्ड ही निकाला जा रहा है। ग्रीक और ज्यूज ने 300 BC में बेस मेटल्स को गोल्ड में बदलने की कोशिश की। तब से ये अल्केमी की शुरुआत हुई, मगर आज तक किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब वर्ल्ड में गोल्ड को सस्ता करने का कोई तरीका नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्वेलरी बनना कभी बंद नहीं हो सकता और सोने की डिमांड भी कभी कम नहीं हो सकती। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.